हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं गौरव एक नए वीडियो के साथ हूँ और यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोग्राम को मैं कवर करने जा रहा हूँ। और ये एक्टिविटी जो हो रही है वो कॉलेज लेवल पे हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका कुछ प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा और कुछ डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन हो चुका है और कुछ का आज होना है, तो उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। देखिएगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो प्रिपरेशन है वो अभी कम्प्लीट हो चुकी है। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कुछ सीन्स को। यहाँ पर आज जिस डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन होना है वो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सीएस डिपार्टमेंट, एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट और एमबीए डिपार्टमेंट। तो इन चार पांच डिपार्टमेंट का आज प्रेजेंटेशन होना है। यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो प्रेजेंटेशन हो रहा है ये डिपार्टमेंट की अचीवमेंट्स को बता रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी रिसर्च हुई है, क्या फैकल्टीज का डेटा है, क्या एफडीपी प्रोग्राम अटेंड किया है, रिजल्ट कैसा रहा है, फ्यूचर में क्या विजन रहेगा, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा या फिर बताया जाएगा, जिससे कि अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी एक आइडिया लगेगा कि अदर डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है। मतलब जो प्रेजेंटेशन है उसका मेन पर्पस यही है। तो चलिए पहले डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी कुछ प्रेजेंटेशन हो चुके हैं कुछ डिपार्टमेंट के और कुछ के अभी बाकी हैं, तो अभी बने रहेगा वीडियो में। यहाँ पर मैं बता दूँ, जो एग्जाम सेल के इंचार्ज है गौरव सर, अभी आप लोगों ने उनका प्रेजेंटेशन देखा होगा और उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट पॉलिसीज में जो चेंज आए उनके बारे में बताया। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर जो डायरेक्टर सर हैं उन्होंने एक इनोवेशन सेल का अनाउंसमेंट किया और उसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के मेंबर्स को इन्वॉल्व किया, जो कि रिसर्च से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड, 7 डिफरेंट फील्ड्स के मेंबर्स को इन्वॉल्व किया है। और ये मेंबर्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से जो इनोवेशन सेल की एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जो दो डिपार्टमेंट है उनका प्रेजेंटेशन अब कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि एरोनॉटिकल का भी आप लोगों ने देखा होगा। और अब एमबीए का बचा हुआ है प्रेजेंटेशन, वो अब सेकंड हाफ में होगा क्योंकि प्रेजेंटेशन थोड़ा लॉन्ग हो गया था। उन्होंने भी अपने एलुमनाई डेटा और जो रिजल्ट था उसका कंपेरिजन किया था। अब देखते हैं एमबीए डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन, लेकिन आफ्टर लंच। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ईसी डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स का प्रेजेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स है उनका प्रेजेंटेशन आज हो रहा है और यही आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पर जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन से कुछ नई चीज़ें पता चली हैं, जो कि पिछले 3 सालों में हुई है, रिसर्च से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन बाकी डिपार्टमेंट्स को मिल रही हैं। और कुछ हिडन टैलेंट्स हैं जो कि फैकल्टीज में है, उसके बारे में भी पता चला है। यहाँ पर देख सकते हैं, जो डिपार्टमेंट्स के जो प्रेजेंटेशन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और सारे डिपार्टमेंट्स का जो मेन फोकस था उनके अचीवमेंट्स पे था, फैकल्टी डेटा पे था और रिसर्च पे था और फ्यूचर आउटकम्स क्या रहेंगे उसके बारे में था। तो इस तरह की एक्टिविटीज कॉलेज लेवल में बढ़ रही हैं, देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।